भाजपा प्रदेश महामंत्री व कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान के अधिकारियों की सूची पर चुटकी ली। सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव का लैपटॉप बनाते वक्त हैंग हो गया, इतनी सूची बनाई कि उनका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, गांव गांव शहर शहर की सूची बना रहे। इस बहाने उन्हें कुछ तो काम मिला, उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा। सांसद सुब्रत पाठक बीते सोमवार को औरैया में जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए हुए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सांसद सुब्रत पाठक ने योगी सरकार की जमकर सराहना करते हुए कहा, विपक्षियों ने एक एक्सप्रेस वे बनवाया उसकी आज तक तारीफ करते हैं, जबकि योगी ने 4 एक्सप्रेस वे बनवा दिए, जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवा दी, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, बहु बेटियां सुरक्षित हैं, कानून का राज्य है, अपराधियों पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। सपा व बसपा सरकार में एक जाति की चलती थी, लेकिन योगी सरकार में सभी जाति धर्मों को साथ लेकर चला जा रहा है, इसलिए जनता योगी मोदी पर विश्वास कर प्रदेश में भाजपा की आगामी 2022 में फिर से सरकार बनाएगी। बता दें कि एक दिन पहले लखनऊ सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला था। उन्होंने भाजपा पर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में पुलिस और प्रशासन के दम पर जीत हासिल करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सारे अफसरों की लिस्ट सपा तैयार कर रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार आने पर ऐसे सभी अधिकारियों का हिसाब होगा जो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, क्या कहेंगी और 2022 के चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से जीत हासिल की है, निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री की विकास और उनकी अच्छी नीति के कारण और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते मुझे खुशी हो रही है कि जिला पंचायत सदस्य में 50% से ज़्यादा हमारी महिलाएं जीत के आई हैं, उनका दबदबा रहा, और ब्लॉक प्रमुख में भी हमारी बहनें बहुत जीत के आई हैं। और निश्चित तौर पे आप विश्वास मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस निष्ठा से, ईमानदारी से भ्रष्टाचार को रोका और मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। नहीं तो आप मूड में देख लीजिए कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस और भाजपा पे विश्वास नहीं रहा। अरे, उनके विश्वास करने से क्या होता है? उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास करती है और पुनः 2022 में सरकार बनाएगी। अधिकारियों की सूची बनाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। मैं पिछले दिनों लखनऊ गया था तो लखनऊ में एक चर्चा चल रही थी कि अखिलेश यादव जी का लैपटॉप हैक हो गया है, हैंग हो जाता है, नहीं जो उसमें लोड ज़्यादा हो जाता है तो हैंग हो जाता है। तो हमने क्यों यार हैंग क्यों हो गया, तो बताने लगे इतनी सूची बन गई है, गाँव गाँव से लोगों की सूची बन गई है, तो इतनी लंबी सूची है उस लैपटॉप में आ गई कि लैपटॉप पर उनका हैंग हो गया। जो अखिलेश जी सूची बनाते रहे अच्छा है, कुछ काम तो है उनके पास, यही बहाने के काम हुए हैं। पिछली सरकार एक एक्सप्रेस वे बनवाती थी उसको आज तक चिल्लाती है, योगी जी ने 4 एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया है। हर जनपद के भीतर अपना मेडिकल स्टोर हो और अपना मेडिकल कॉलेज हो, इसको लेकर भी योगी जी ने व्यवस्था बना दी है। नौका भी ओपन कराया है और सेस में सभी में उनमें काम शुरू होने जा रहा है। तो एक हर स्थिति में चाहे विकास हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, और चाहे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक जातिया एक आग में जला करता था कि जिस जाति की सरकार होती थी उस जाति में, मैंने सपा की सरकार आई तो पर्टिकुलर जाति, बसपा की सरकार आई तो पर्टिकुलर जाति, पहली सरकार है जिसमें सर्व समाज को सम्मान मिला है और सर्व समाज के लोगों की भागीदारी मिली है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। मुझे भरोसा है कि जनता योगी मोदी के ऊपर विश्वास व्यक्त करेगी और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत से।